बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम अहलेयाने पाकिस्तान को और दुनिया में बसने वाले तमाम मुसलमानों को ईद उल अज़हा की खुशियां मुबारक। ये एक ऐसा हमारी ईद है जो कि मैं समझता हूँ कि हमें कुर्बानी का दर्स देती है, और इस मौका के ऊपर मैं समझता हूँ कि जो हमारे वो लोग जो कि पिसा हुआ तबका है, कम वसाइल वाले लोग हैं, इन खुशियों में हमें उनको भी अपने साथ शामिल रखना है। और मैं समझता हूँ कि ईद है, खुशी का मौका है, इस मौका के ऊपर जो खुशियाँ हैं ईद की, वो हमें अपने लोगों के अंदर जो है वो खुशियाँ बांटनी है, और उन लोगों को भी साथ लेके चलना है जो लोग इन खुशियों को या कुर्बानी करने के अहल नहीं हैं, उनको भी हमने इसके अंदर अपने साथ शामिल करना है। ये ईद कुर्बान का और कुर्बानी का जो जज्बा है वो आज की इस ईद का पैगाम भी है, और यही इसकी जो है वो स्पिरिट है। जो मुल्क पाकिस्तान है, मुल्क पाकिस्तान की बेहतरी के लिए भी हमें जो है वो वही जज्बाए इसार भी दिखाने की ज़रूरत है, और मुल्क की बेहतरी के लिए पाकिस्तानी कौम हमेशा किसी भी कुर्बानी से जो है वो पीछे नहीं हटी। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम हर मुश्किल वक्त में उन्होंने एक बेहतरीन कौम होने का जो है वो सबूत दिया है, और मुल्क की बेहतरी के लिए हमेशा आगे बढ़ चढ़ के जो है वो काम किया है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम अब इतने बाशऊर हो चुके हैं कि लोग अब गली महलों के ऊपर जो है वो उन लोगों से सवालात कर रहे हैं जिन लोगों से उनको ये लगता है कि इन्होंने मुल्क को बेहतर करने की बजाय मुल्क के हालात को जो है वो ख़राब किया।